वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश गुरु स्टेप टू वर्ड्स इंग्लिश वर्ड। और हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश, दिस इज सुरेश मौर्य। और चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस नए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। आज से हमारे इस नए चैप्टर के साथ हम पढ़ेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एक अगली सीरीज में, जहां पर हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अंतर्गत एक अगले कंजक्शन को देखेंगे। एक अलग तरह के सेंटेंसेस आज हम बनाएंगे, सेंटेंसेस को दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके आज हम अंटिल कि यूजिंग के साथ अंटिल से सेंटेंसेस बनाएंगे। कंजक्शन जो आज हमारे होंगे वो अंटिल का यूज करेंगे, जहां पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के सेंटेंसेस हम बनाएंगे, बताएंगे कि समय की तरफ इशारा करेंगे, किस समय कौन सा काम किसके पहले किसके बाद हुआ है, कब हुआ है वो काम, इसके तरफ इशारा करते हुए हमारे जो सेंटेंसेस बनेंगे वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत कहलाएंगे, हमारे सेंटेंसेस होंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के साथ में हम जो सेंटेंसेस दिखाएंगे अगली यूजिंग के साथ, अगला कंजक्शन आज हम यूज करने जा रहे हैं समय बताने के लिए, जिस तरह से हमने पहले भी प्रयोग किया है। अगर आप लगातार हमारे पिछले वीडियोस के साथ जुड़े हुए हैं तो आपने देखे होंगे कि किस तरह से हमारे सेंटेंसेस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं और हमारे ग्रामर हमारे लाइफ में वो यूज किए जाते हैं। लगातार हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं और परीक्षाओं में नंबर लेने के लिए भी इस तरह के सेंटेंसेस उपयोगी होते हैं। आप हमारे सारे लेसन हमारे प्लेलिस्ट से पा सकते हैं, कुछ लिंक भी हमने आपके साथ शेयर किया है जहां से आप हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। हमारे जो सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले, परीक्षाओं में आने वाले इस तरह के ग्रामर और हमारे एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत जो सेंटेंसेस पूछे जाते हैं हमें एग्जाम्स में आते हैं, उनके नंबर हम किस तरह से पूरी तरह से ले सकते हैं, नंबर अच्छे पा सकते हैं। हमने पिछले वीडियोस में लगातार देखा है कि क्लॉज जो हमारे होते हैं वो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के साथ उन्हें हम विभाजित कर सकते हैं। नाउन क्लॉज और उसके पांच भागों को हम आगे चल करके बाद में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज के हमारे सेंटेंसेस, रिलेटिव क्लॉज जिसे कहा जाता है, हम उसके सेंटेंसेस कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं और इसे डिटेल से आगे हम पढ़ेंगे। एडवर्ब क्लॉज के हम सेंटेंसेस देख रहे हैं, जहां पर एडवर्ब क्लॉज के नौ तरीके होते हैं, नौ भाग होते हैं। उन नौ भागों को हम एक एक करके उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस समय लगातार सीरीज में हम देख रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के सेंटेंसेस और एडवर्ब क्लॉज के बाद में हम नॉन फिनाइट क्लॉज के सेंटेंसेस पहले ही पढ़ चुके हैं। नॉन फिनाइट क्लॉज जो नॉन फिनाइट वर्ब से बनते हैं, अर्थात इन्फिनिटिव, जेरंड और जहां पार्टिसिपल जैसे सेंटेंसेस को जोड़ करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। हमारे जीवन के साधारण सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं उन्हें हम किस तरह से बोलचाल में यूज करते हैं, तो क्लॉज हमारे जीवन में, हमारी बोलचाल में, हमारी अंग्रेजी में और हमारी हिंदी में जो भूमिका निभाते हैं हम उनको एक एक करके देख रहे हैं। तो चलिए हमारे इस नए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। फिर से एक बार नजर डालते हैं हमारे एडवर्ब क्लॉज जो टाइम को दिखाने वाले कंजक्शन का जो हम यूज करते हैं। हमने पढ़ लिया है इसके पहले वेन, बिफोर, आफ्टर के यूजिंग, आफ्टर के कंजक्शन से सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं हम वो देख चुके हैं। अंटिल से आज हम सेंटेंसेस बनाएंगे, एज लॉन्ग एज, एज सून एज और नो सूनर देन से हमारे सेंटेंसेस हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। तो हमारे अंटिल से बनने वाले जो सेंटेंसेस हैं आज हम देखेंगे, उनके सेंटेंसेस यूज करेंगे और हमारे जीवन में अंटिल किस तरह से भूमिका निभाता है, सेंटेंसेस बनाने में आसान करता है, समय को दिखाने में। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के साथ जो हम कंजक्शन यूज करने जा रहे हैं अंटिल, और हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, अंटिल जब तक और नेगेटिव सेंटेंस हमारा वो होगा, अंटिल नहीं के रूप में वो हमारा मीनिंग निकलता है समय को दिखाने के लिए। एक एग्जाम्पल से पहले हम समझते हैं, पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर। अंटिल ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक खुद ही होता है, नकारात्मक शब्द होता है, तो अंटिल की जो यूजिंग कंजक्शन करेंगे वो नकारात्मक मीनिंग के साथ शुरुआत करती है और जब हम टिल की यूजिंग करेंगे टिल हमारा सकारात्मक होता है। तो पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर, डोंट से एनीथिंग अंटिल यू नो अबाउट दिस केस। अंटिल को हम शुरुआत और बीच में सेंटेंस के प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल से हम देखेंगे, कुछ ना कहना जब तक तुम्हें इसके बारे में ना पता हो, जब तक इसके बारे में तुम्हें जानकारी ना हो कुछ नहीं कहना। या हम इसे कह सकते हैं, जब तक तुम्हें इसके बारे में ना पता हो कुछ ना कहना, कुछ ना कहना जब तक तुम्हें इसके बारे में ना पता हो। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से दिखाता है, ध्यान देना है अंटिल का प्रयोग नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ नहीं होता है, उसका अर्थ हमें ध्यान से देख करके करना होता है। डोंट से एनीथिंग अंटिल यू नो अबाउट दिस केस। अगला एग्जाम्पल देते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। आप नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके तैयार है, पहले हम सारे एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, देख लेते हैं। इस वीडियो के सारे एग्जाम्पल आप देखते चलिए, समझते चलिए, कमेंट करिएगा आप किस तरह से सीख रहे हैं। अगर कोई डाउट होता है तो जरूर आप हमारे साथ अपने डाउट को शेयर करिए, एक्सपीरियंस को शेयर करिए। अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर, डोंट कम इन आई कॉल यू। तो हम कह रहे हैं अंदर नहीं आना, मैं कॉल करूंगी, मैं बुलाऊंगी या मैं बुलाऊंगा। तो हम कह सकते हैं कि जब तक अंदर ना बुलाए नहीं आना, डोंट कम इन अंटिल आई कॉल यू। तो जब तक कि मैं ना बुलाऊं अंदर नहीं आना, इसी सेंटेंस को हम अंटिल से शुरुआत कर सकते हैं।
Until I call you, don't come in. तो जब तक मैं ना बुलाऊं, जब तक ना कहूं, अंदर नहीं आना. तो until हमारा खुद ही नकारात्मक होता है. Until के बाद हमें negative sentence not लगाने का, negative बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो negative खुद ही बन जाता है. तो देखिए until से negative बन गया. जब तक ना बुलाए अंदर नहीं आना. चलिए और sentence देखते हैं, अगला example देखते हैं. अगला एग्जाम्पल यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज दिखाने के लिए अंटिल के साथ हम प्रयोग करते हैं. लेकिन हमारा जो सेंटेंस पहले से आप देख रहे हैं वो हमारा सेंटेंस इफ से बना हुआ, हमारा पहले से ही एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, हमारे इफ से ही बना हुआ एक सेंटेंस है. जो यहाँ पर इफ से बना सेंटेंस है हम उसे अंटिल के साथ बदल कर लिखेंगे. नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से परिवर्तन करेगा देखिएगा. सी विल नॉट फोन यू इफ यू डोंट से सॉरी. वो तुम्हें फोन नहीं करेगी अगर तुम सॉरी नहीं बोलते हो. नेगेटिव सेंटेंस है. इफ के साथ हमें नेगेटिव को कैसे अंटिल के साथ बदलना होगा एग्जांपल को देखिए, उसके आंसर को समझते हैं. सी विल नॉट फोन यू अंटिल यू से सॉरी. तो अंटिल खुद ही नेगेटिव वर्ब सेंटेंस है, नेगेटिव कंजक्शन है. तो हमें डोंट जो आने वाला नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव टेंस को पॉजिटिव करना होगा, नेगेटिव टेंस नहीं रखना होगा. सी विल नॉट फोन यू अंटिल यू से सॉरी. वो तुम्हें फोन नहीं करेगी अगर तुम सॉरी नहीं बोलोगे, नहीं बोलते हो. इसी को हम अंटिल से शुरुआत करते हैं. अंटिल को अगर हम शुरू में लगा के सेंटेंस बनाते हैं, अंटिल यू से सॉरी सी विल नॉट फोन यू. अगर जब तक तुम सॉरी नहीं बोलते हो, माफी नहीं मांगते हो, वो तुम्हें फोन नहीं करेगी. तो वही अर्थ निकलता है. दोनों तरफ से हम सेंटेंस को बना सकते हैं. इफ की यूजिंग जो हम देख रहे हैं पहले से कंजक्शन के साथ सेंटेंस को, हमने पहले आने वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दूसरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से यहाँ पर बदल दिया है. हमारा कंडीशन वाला सेंटेंस इफ है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन से जो हमारा सेंटेंस इफ से बना हुआ है, हम इफ के सेंटेंस आगे चल के पढ़ेंगे. उस इफ से आने वाले सेंटेंस को हमने अंटिल में परिवर्तन किया है. तो अंटिल हमारा नकारात्मक होता है, अंटिल हमारा भविष्य का सूचना देने वाला शब्द कंजक्शन होता है. तो अंटिल के बाद हमें फ्यूचर का प्रयोग भी नहीं करना है, अंटिल के बाद हमें नकारात्मक टेंस का प्रयोग भी नहीं करना है. ध्यान से हम इस तरह के एग्जाम्पल देखते रहेंगे. आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं. हम इस बार तीन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे, तीन सेंटेंस के साथ अंटिल का प्रयोग करेंगे. आई से डॉट है, फुल स्टॉप है, आई विल नॉट कम, यू डोंट सेंड मी कार्ड. देखिए दो सेंटेंस तीन सेंटेंस के साथ हमने जोड़ना सीख रहे हैं. हम बना रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के सेंटेंसेस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं. हमारे जो सेंटेंसेस बनते हैं आपस में हम इन्हें सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं जहां पर आपस में वाक्य एक दूसरे के साथ निर्भर करते हैं, उनके अर्थ निकलते हैं एक दूसरे की मीनिंग के साथ ही निकलते हैं. चलिए देखते हैं इसके अर्थ को, आंसर देखते हैं. आई से दैट आई विल नॉट कम अंटिल यू सेंड मी कार्ड. मैंने कहा कि मैं नहीं आऊंगा या मैं नहीं आऊंगी जब तक कि तुम मुझे कार्ड नहीं भेजोगे. अगर जब तक कि मुझे कार्ड नहीं दोगे, इनवाइट नहीं करोगे, मैं नहीं आऊंगा या मैं नहीं आऊंगी. नकारात्मक अर्थ निकल रहा है, नहीं आने के बारे में बताया जा रहा है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया हमारा. मैं कहती हूँ या मैं कहता हूँ, मैं नहीं आऊंगा जब तक कि मुझे कार्ड नहीं दोगे. तो देखिए हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स टाइम को दिखा रहा है, समय को इशारा कर रहा है. कार्ड आने दो, उसके बाद ही आएंगे ऐसा कहा जा रहा है. और एग्जांपल देते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं अंटिल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को. यू हेल्प मी टू डू, आई कांट डू दिस. दो अलग अलग सेंटेंस है. इस बार हम कह रहे हैं यू हेल्प मी टू डू, तुम मुझे इसको हल करने में मदद करो. आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता. अंटिल से जब हम इसे बनाएंगे, अंटिल यू हेल्प मी, जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे या जब तक तुम मेरी मदद नहीं करते हो, आई कांट डू दिस, मैं इसको नहीं कर सकता. अंटिल को आमतौर में नेगेटिव के साथ तो नहीं लगाते हैं, मॉडल के साथ जब कोई मॉडल का सेंटेंस होता है वहां पर हमें ध्यान से उसका प्रयोग करना होता है, ध्यान से उसके सेंटेंस को देखना होता है. तो चलिए हमारा आंसर बनता है अंटिल यू हेल्प मी आई कांट डू दिस, मैं इसे नहीं कर सकता हूं जब तक तुम मुझे इसकी मदद नहीं करते हो. तो देखिए इस तरह के सेंटेंसेस हमने बनाए हैं. अलग अलग सेंटेंसेस देखें, हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाया है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के साथ हमने उनके देखे हैं किस तरह से आंसर बनते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमारे बन रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के साथ में. इस समय जो हम प्रयोग कर रहे हैं अंटिल के सेंटेंस बना रहे हैं. अगले पेज पर देखते हैं कुछ अगले और एग्जांपल्स को, समझते हैं किस तरह से एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम अंटिल के साथ हमारे कंजक्शन का यूज हम कर सकते हैं, हम सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं. आपके स्क्रीन पर हमारा एक अगला एग्जाम्पल, नए पेज के साथ नए एग्जाम्पल. अंटिल जब तक नहीं के साथ हम हिंदी में उसका अर्थ निकालेंगे. डोंट क्रॉस द रोड अंटिल सिग्नल इज ग्रीन. सड़क ना पार करें जब तक के सिग्नल हरा ना हो जाए.
तो जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं होता है, सिग्नल ग्रीन ना हो तब तक के सड़क ना पार करें, हम कह रहे हैं नेगेटिव की तरफ हमें अंटिल का प्रयोग नहीं करना है। तो डोंट के सरफ हमारा जो अर्थ है अंटिल है वो नहीं लगेगा, सड़क ना पार करें जब तक सिग्नल हरा ना हो जाए। अंटिल नकारात्मक शब्द है तो हमें पहले ही पता चल जाता है वो नेगेटिव की तरफ नहीं लगेगा। और हमें किस तरह से टेंस का ध्यान रखना है वो हमें कुछ सेंटेंसेस के साथ इस तरह देख रहे हैं, चलिए देखते हैं। और एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, दो सेंटेंसेस को फिर से जोड़ते हैं। डोंट टेल एनीथिंग अबाउट दिस, व्हेन हमारा सेंटेंस है, व्हेन आई विल टेल यू देन यू कॉल देन यू कैन टेल। तो हम किसी को कह रहे हैं कि किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताना। डोंट टेल एनी वन अबाउट दिस, व्हेन आई विल टेल यू, जब मैं तुमको कहूंगा, देन यू कैन टेल, तब तुम बता सकते हो। तो कोई ऐसी बात को तब तक के छिपा के रखने के लिए कहा जा रहा है जब तक के सूचना ना दे दी जाए। तो आंसर बनता है हमारा अंटिल से, डोंट टेल एनी वन अबाउट दिस अंटिल आई टेल यू, तो जब तक मैं तुम्हें कहूँ ना, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताना। डोंट टेल एनी वन अबाउट दिस अंटिल आई टेल यू, तो जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ, जब तक मैं तुम्हें ना बोलूँ, हमारा सेंटेंस फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है क्योंकि जब बोला जाएगा तभी आगे चल करके इस बात को किसी को बताना है। तो अंटिल हमारा फ्यूचर का सूचक है, हमें नेगेटिव का प्रयोग अंटिल के साथ फ्यूचर का प्रयोग नहीं करना होता है क्योंकि वो खुद ही फ्यूचर को हिंट करता है। तो आप हमारे क्वेश्चन को देखिए, हमारे प्रश्न में जो हमारा सेंटेंस है ऊपर, वहाँ पर फ्यूचर में वो सेंटेंस है, हमने हमारा सेंटेंस मॉडल के साथ है तो हमने मॉडल का प्रयोग भी अंटिल के बाद नहीं किया है, हमने फ्यूचर का प्रयोग भी अंटिल के बाद नहीं किया है। ध्यान से देखिए, हमने सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाया है अंटिल के बाद में। अंटिल आई टेल यू हमारा सेंटेंस बनता है, डोंट टेल एनीवन अबाउट दिस। चलिए और एग्जांपल देखते हैं और सेंटेंस देखते हैं। अगला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर, योर पेरेंट्स रिटर्न प्लीज स्टे विद अस, तुम्हारे पिताजी माताजी आते हैं, वापस आते हैं, प्लीज स्टे विद अस, हमारे साथ ही कृपया करके रुके, हमारे साथ ही रहें। किसी को कहा जा रहा है, किसी बच्चे को कहा जा रहा है, किसी ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि उनको रुकने के लिए यहीं रुके, पेरेंट्स जब तक ना जाएं। प्लीज स्टे विद अस हियर अंटिल योर पेरेंट्स रिटर्न, तो जब तक के तुम्हारे माता पिता ना आ जाएं। प्लीज के साथ भी हमें उस तरफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि उसका जो मीनिंग है अंटिल के साथ में उस तरफ नहीं निकल रहा है। प्लीज कृपया करके हमारे साथ रुके जब तक के तुम्हारे पेरेंट्स आपके माता पिता नहीं आ जाते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के साथ, हम मीनिंग निकाल रहे हैं, अंटिल को देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल और एक सेंटेंस, यू मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन यू गेट सक्सेस। तो हम कह रहे हैं देखिए, एक बार फिर हम मॉडल का सेंटेंस देखेंगे। एक तरफ हमारे सेंटेंस दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को, दो अलग सेंटेंसेस को हम अंटिल से जोड़ करके बनाएंगे। आंसर बनता है हमारा, यू मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल यू गेट सक्सेस। तो हमने मॉडल की तरफ नहीं प्रयोग करना है अंटिल को, हमने देखा यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल में भी अंटिल हम मस्ट की तरफ नहीं लगा रहे हैं, उधर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। यू मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन, तुम्हें जरूर बार बार कोशिश करते रहना चाहिए, करना चाहिए, अंटिल यू गेट सक्सेस, जब तक कि तुम्हें सफलता ना मिल जाए। इसी बात को हम कह सकते हैं अंटिल को शुरू में प्रयोग करें, अगर अंटिल यू गेट सक्सेस यू मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन, जब तक कि तुम्हें सफलता ना मिलती ना मिल जाए, तुम्हें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए, बार बार कोशिश करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर आपको दिखाया मस्ट के साथ हमें किस तरह से प्रयोग करना है, अंटिल को किस तरह से मॉडल के साथ प्रयोग करना है, और अंटिल को किस तरह से प्लीज वाले कोई शब्द आते हैं निवेदन वाले तो उनको कैसे प्रयोग करना है, हमें टेंस का ध्यान किस तरह से रखना है। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा सेंटेंस जो इस बार और कुछ छोटा सा जो हमने देखे इसके पहले, इस बार हम एक पहले से आने वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम जो आप देख रहे हैं उनको हम बनाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स के साथ। आप हमारे पहले सेंटेंस में देखिए, हमारे पास वहां पर वेयर से एक सेंटेंस बना हुआ है, आई नो वेयर यू वॉन्ट टू गो, सॉरी यू नो वेयर यू वॉन्ट टू गो यू वॉन्ट गेट सक्सेस, तुम्हें अगर तुम्हें पता है कहाँ तुम्हें जाना है तो तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती, अगर तुम्हें नहीं पता है कहाँ जाना है तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। हम ऐसा आंसर बनाएंगे, यू नो वेयर यू वॉन्ट टू गो यू वॉन्ट गेट सक्सेस। हम बनाते हैं आंसर अंटिल से, अंटिल यू नो वेयर यू वॉन्ट टू गो, जब तक कि तुम्हें ना पता हो, तक जब तक कि तुम्हें ना जानकारी हो करना क्या है, जाना क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो, तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। अंटिल यू नो, जब तक तुम्हें ना पता हो वेयर यू वॉन्ट टू गो, हमारे आसपास का सेंटेंस, हमारे जीवन का सेंटेंस, हम बोलते हैं सुनते हैं कि जब तक तुझे ना मालूम हो, जब तक तुझे ना पता हो
जब तक तुम जानते ही नहीं हो कि तुम्हें पढ़ना क्या है, करना क्या है, तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो हमने फ्यूचर की तरफ सूचक ये होता है हमारा, हम जो सेंटेंस अंटिल को बनाते समय कंजक्शन का प्रयोग फ्यूचर की तरफ नहीं करते हैं। जो यहाँ पर आप वोंट देख रहे हैं डब्ल्यू ओ एन टी के साथ जो देख रहे हैं, वो हमारा विल नॉट है, हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है। विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट भी लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर वॉन्ट लिखकर आपको दिखाया। यू वॉन्ट अर्थात है यू विल नॉट, तो देखिए यू विल नॉट गेट सक्सेस, हम ऐसा कह सकते हैं। अंटिल यू नो वेयर यू वॉन्ट टू गो यू विल नॉट गेट सक्सेस, तो हम तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। हमने देखे इस तरह के सेंटेंस, हमने देखे फ्यूचर के साथ किस तरह से अंटिल का प्रयोग नहीं करना है, हम नेगेटिव के साथ हमें अंटिल का प्रयोग नहीं करना है, मॉडल के साथ किस तरह से नहीं करना है, और इस तरह से ध्यान देते हुए हम बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के साथ। हम जो आज यूजिंग देख रहे हैं अंटिल का प्रयोग कर रहे हैं, अंटिल हमारे लिए नकारात्मक शब्द होता है, फ्यूचर के सूचना देने वाला शब्द होता है, और हम उसे किस तरह से और प्रयोग करेंगे अगले एग्जांपल में, जब हम अगले वीडियोस में देखेंगे, अगले एग्जांपल देखेंगे जहां पर हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एडवर्ब क्लॉज के साथ जब हम पढ़ेंगे, हम टिल के सेंटेंसेस बनाएंगे, टिल कंजक्शन का यूज करेंगे, अंतर देखेंगे एंड विल हमारे अंटिल और टिल में किस तरह से उनके अंतर होते हैं। कीप वॉचिंग सरल इंग्लिश गुरु, स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड कमेंट, प्रेस बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियो, शेयर योर नॉलेज विद अस, मेक योर ग्रुप लार्जर एंड बेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।